माई नेम इज़ प्रिया, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रिया सैनी ऑफिशियल। सो आज हम करने वाले हैं कटिंग, वो भी घर में आसानी से। फ्रंट लेयर्ड कट, फ्रंट बैंग्स आप इन्हें कह सकते हैं, फ्रिंज लेयर्ड कट, चार तरीके बताने वाली हूँ इस वीडियो में मैं आपको कि आप किस किस तरीके से कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे बालों की लेंथ और आगे से भी ये काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके हैं, और आपने अभी कटिंग में देखा कि मैंने किस किस तरीके से करके दिखाया है। सबसे पहले कॉम कर लेंगे अपने हेयर्स को, अच्छे तरीके से वॉश होने चाहिए आपके हेयर, सीरम भी नहीं लगा होना चाहिए। अब आपके पास अगर घर में न्यूज़पेपर है या फिर कोई सिल्क की चुन्नी है जिस पर बाल नहीं अटके, वैसी आप चुन्नी ले सकते हैं, अदरवाइज आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालनी है बीच की पार्टिंग, यानी कि आप कह सकते हैं बीच की मांग निकालनी है हमें सबसे पहले। अब यहाँ पर हम ईयर टू ईयर सेक्शन लेंगे, सबसे पहले ईयर टू ईयर सेक्शन हमें लेने हैं। अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा पतले हैं तो आप कम भी ले सकते हैं, पर आपको ईयर टू ईयर सेक्शन लेना ज़रूरी है। यहाँ से कुछ इस तरीके से ये दोनों अब हो गए हैं। पीछे के बालों को आप अच्छे तरीके से क्लचर कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने दोनों को मिक्स करके कॉम कर लिया है। अब जो हमारा एंगल होता है आईब्रो का, वहाँ से आपको सीधी पार्टिंग निकालनी है हेयर्स की, कुछ इस तरीके से दोनों तरफ। जब आप निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर अब आप इस तरीके से दो फिंगर्स की हेल्प से अपने हेयर्स को पकड़ेंगे। अब आप या तो अपने चिन एरिया तक काट सकते हैं, लिप्स तक काट सकते हैं, नोज तक काट सकते हैं, पर मैं आप फिंगर्स के ऊपर से भी काट सकते हैं, जितनी आपको लाइन चाहिए आप उस हिसाब से काट सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं नीचे से फिनिशिंग देने वाली हूँ, तो ये हल्का सा राउंड में आता है अगर आप स्ट्रेट में काटते हो तो। अब आप यहाँ पर बीच की पार्टिंग करेंगे अपने बालों को देखने के लिए कि सही है लेंथ या नहीं है। अब आप साइड में भी करके देखेंगे अपनी फ्रंट हेयर्स की, हमेशा कटिंग को चेक करें दोनों डायरेक्शंस में, कुछ इस तरीके से कि कितना आपका सही बैठ रहा है, उसी हिसाब से हम लेयर्ड करेंगे अब इनको। अब यहाँ पर हम अगेन इन्हें पकड़ लेंगे अच्छे तरीके से, जिस तरीके से करना था। आप यहाँ पर लिप्स तक भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से लेयर में काटेंगे, हमें थोड़ा सा तिरछा करके सीजर को चलाना है और कुछ इस तरीके से हमें नीचे तक लेकर आना है इसको। यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आपको अपने बालों में एक हल्का सा तिरछापन लगेगा, जो आपके शॉर्ट हेयर्स हैं कुछ इस तरीके से लगेंगे। अब आपको यहाँ पर तीन चार मिल जाते हैं, आप आगे भी रख सकते हैं, थोड़े छोटे बाल आपके कान के पीछे भी हो जाएंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपके बाल लंबे भी रहते हैं, प्लस आपको बहुत अच्छा लुक भी मिलता है। सो यहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो इसी लेयर में आप इसको थोड़ा सा ऊपर से भी लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से छोटा भी कर सकते हैं, यानी कि लिप से स्टार्टिंग करके आप इसे नीचे तक लेकर आ सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो ये उनके लिए है जिनको ज़्यादा छोटे बाल नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसे बाल चाहिए जो सुंदर लगे ओपन होने के बाद और साथ में कान के पीछे भी आ जाएं। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगेन हम अपने बालों को कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ पर। अब आपको ऊपर की तरफ से काटना है ये स्ट्रेट एकदम, सीज़र आपकी स्ट्रेट चलनी चाहिए यहाँ पर। अब दोबारा से आप देखेंगे ये कान के पीछे भी हो जाते हैं बाल, ज़्यादा छोटे नहीं होते, और प्लस आप अगर इन्हें साइड में भी करते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। प्लस इनमें इतना होता है कि ये थोड़े से आपके कान के पीछे जो छोटे वाले होते हैं वो आगे रहते हैं, तो काफ़ी सुंदर लुक देते हैं आपको। अगेन हम यहाँ पर भी इसको तिरछा कटिंग करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारा लेयर्ड कट आता है यहाँ पर, या आप कह सकते हैं फ्रिंज कट। सो अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं बीच बीच में से इसमें हल्का हल्का सा सीजर से कट आउट करने वाली हूँ, हल्का हल्का सा कुछ इस तरीके से। सो ये क्या होगा, जब आप बीच की भी मांग निकालेंगे तो ये आपको अच्छा सा एक लेयर कट देती है। अब अगर आप इन बालों को साइड में करते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इनसे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर, नमस्ते।